जय माता दी। मित्रों, आज माता रानी का पावन दूसरा नवरात्रा है। आज के दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप श्री ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। आपको, आपके परिवार को आज के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी है। नवरात्र पर्व के द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य तपश्चारिणी से है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप से प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, अतः ये तपश्चारिणी और ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात हैं। नवरात्रि के द्वितीय दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है, जो दोनों कर कमलों में अक्षमाला एवं कमंडल धारण करती हैं। वे सर्वश्रेष्ठ माँ भगवती ब्रह्मचारिणी मुझ पर अति प्रसन्न हों। माँ ब्रह्मचारिणी सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि करती हैं एवं संपूर्ण कष्ट दूर करके अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करती हैं। देवी दुर्गा का यह दूसरा रूप भक्तों एवं सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा की नौ शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी की है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। यह देवी शांत और निमग्न होकर तप में लीन है। मुख पर कठोर तपस्या के कारण अद्भुत तेज और कांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोगों को उजागर कर रहा है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाल और बाएं हाथ में कमंडल होता है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। इस देवी के कई नाम है, जैसे तपश्चारिणी, अपर्णा, उमा। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित साधक माँ ब्रह्मचारिणी जी की कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में आप मटमैले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। यह दिन राहु शांति पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन है। द्वितीय नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं, इससे आयु वृद्धि होती है। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैव ना जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। इस दिन साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी साधना करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सकें। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमत्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी श्लोक, दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मये ब्रह्मचारिणी अन्यनुक्तामः। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना की पुत्री हैं। इन्होंने देवर्षि नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की ऐसी कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनोवांछित वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप यह देवी भगवान भोलेनाथ की बामनी अर्थात पत्नी बनी। जो व्यक्ति आध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखते हैं, उन्हें इस देवी की पूजा से सहज यह सब प्राप्त होता है। देवी का दूसरा स्वरूप योग साधक को साधना के केंद्र के उस सूक्ष्मतम अंश से साक्षात्कार करा देता है, जिसके पश्चात व्यक्ति की इंद्रियां अपने नियंत्रण में रहती हैं और साधक मोक्ष का भागी बनता है। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा को पंचोपचार सहित पूजा करके जो साधक स्वाधिष्ठान चक्र में मन को स्थापित करता है, उसकी साधना सफल हो जाती है और व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। जो व्यक्ति भक्तिभाव एवं श्रद्धा दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है और मन प्रसन्न रहता है, वह प्रसन्न रहते हैं।
उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ दुर्गा, जय माता दी। यदि आप माँ दुर्गा के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय माता दी, और हमारे इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।